हमीरपुर शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के जरिए जहां खराब सब्जियां फिकवाई, वहीं होटलों व ढाबों में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए गए। शहर में अधिकतर दुकानदार व सब्जी विक्रेता फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिनके पास थे वे एक्सपायर हो चुके थे। ऐसे में दुकानदारों को एक हफ्ते के अंदर फूड सेफ्टी लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर किसी दुकानदार के पास संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए तो उनके चालान काटे जाएंगे। दूसरा हाइजीन का कैप है, ग्लव्स है, दूसरा वो कोई रंग नहीं यूज कर सकते हैं, है ना, और जो चीज़ है वो कवर्ड रखी होनी चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल, हाइजीन का अलग है और एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका अलग चलाना है। सर आज अपने आप कम पाए जा रहे हैं, लोग बहाना लगा रहे हैं घर में है क्या, हमने उनको कहा 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन अगर पुरके और नहीं हो पाते तो फिर उनको लीगली जो भी एक्शन होता है एक्ट के अनुसार वो होगा। हाइजीन का नोटिस जाएगा, हाइजीन बहुत पूर पाई गई है, तो हाइजीन का नोटिस भी जा रहा है, उसको सुधार के लिए देखा जाएगा आने वाले टाइम में कि कितना सुधार हुआ। अभी के लिए सर फाइन फूड सेफ्टी ऑफिसर है और एज पर लीगल ऑप्शन जो है वो उसको नोटिस जारी करेंगे इंस्पेक्शन के बाद। सर अक्सर देखा जा रहा है करनी होती है हाइजीन का देखना होता है, रोटन फ्रूट्स है अगर उससे साफ से अगर कोई बेच रहा है गंदा सामान तो उसको फिर डिस्ट्रॉय करना होता है, अगर कोई ख़राब है तो उसका सैंपलिंग भी हो सकती है, सैंपल जाता है फिर लैब में टेस्टिंग के लिए, तो अलग अलग हैं, रजिस्ट्रेशन ना हो तो उसका अलग उसको फाइन है। तो अभी ये आई थी कि इस सेशन में पहला है तो उनको हम समझा भी रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, एक्शन तो लेंगे लेकिन उतना स्ट्रिक्ट लेंगे, उनको टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा, लोग समझ जाएँ और जो कंप्लायंस है उसको करें और लोगों की जान से ना खेलें। आजकल वैसे ही गर्मी कोरोना का पीरियड है और अब बरसात है, गर्मी है, इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सारी बीमारी है, इनका डर रहता है अगर हाइजीन ना हो। पहले स्टेट पर हमको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होता है फाइन का अलग अलग, पहले इनको डिस्ट्रॉय, उनको निकाल के बोलते हैं इनको ना बेचो, सुबह अलग अलग करो सब्जियों को और फेंकवा देते हैं फर्स्ट इसमें, नेक्स्ट एक्शन में फिर फाइन का होता है, पहले में हम इनको डिस्ट्रॉय कराते हैं। स्पेशल पोस्ट पे इसी काम के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर है हमारे पास, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वैसे फूड के देखने के लिए फूड इंस्पेक्टर हैं, तो उनका काम ही रेगुलरली जिला के अलग अलग हिस्सों में जाएँ, उनका टूर प्रोग्राम होता है हमारे पास, वो जाते हैं, अभी उन्होंने शाम का इवनिंग का अलग प्रोग्राम है, मॉर्निंग का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो या जैसे कंप्लेंट आती है उस हिसाब से जाते हैं, या फिर अपने सुबह मोटो हम अपने आप से जैसे बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो उस हिसाब से सभी दुकानों को, किराना की दुकानों को भी अगली बार चेक करेंगे, उनका भी सैम्पलिंग का देखेंगे अगर कोई ठीक नहीं होता है, तो ये सारे कदम लिए जाएंगे ताकि लोगों के हेल्थ से वो खिलवाड़ ना कर सके। सर आपने कंप्लेंट पास एक भरेड़ी से है और एक बर्थर साइड से है, तो बस उन्हीं की इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स दो हैं मेरे पास वो स्वीट शॉप से ही रिलेटेड है, मिठाइयों वगैरह को लेकर लोग ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ये जो आज इंस्पेक्शन ये तो की जाएगी, अभी हमारी मीटिंग हुई थी पिछले लाख की मीटिंग हुई, उसमें एक एजेंडा पॉइंट रखा गया कि रेगुलरली जो है वो फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से जो रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए, दवाइयों की दुकानों की किए जाए ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, और जो फूड सेफ्टी अफसर है उनके साथ जो खाने की चीज़ें बेच रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाए। जी सर जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।